इलेक्शन की तारीख आने पर कहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन वक्त पर और एक साथ हो। शर्जील मेमन की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। हमने नफरत की सियासत खत्म करनी है। हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की बात किसी ने नहीं की। इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ आवाम को सेहत कार्ड दिया है। सेहत की सहूलियात सिंध में पूरे मुल्क से बेहतर हैं। तो फिर हो सकता है कि अगर कुछ सीट्स पे लोकल्स पे लोकली कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो इट्स प्री मैच्योर कि कोई भी इस तरह की बात अभी भी। इलेक्शन अपने टाइम पर हों, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही वक्त पे हों। नफरत की सियासत को दफन करना है और नफरत के जरिए अपने पैगामात की तस्वीर को ख़त्म करना है। तीर के निशान पर ही इंतखाब इंशाल्लाह लड़ेगी भी सही और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर पाकिस्तान भर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है। आप देखेंगे जिस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेस्ट और मतलब टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो सिंध में अवेलेबल हैं। 21 लाख लोगों को कोई गवर्नमेंट घर बना के दे रही हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो बना के दे रही है अपनी लीडरशिप के वजह पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोलने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।